नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देने की कार्रवाई में तेजी लाने के दिए गए निर्देश। अगले 2 वर्षों तक 31,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होगी रसायन मुक्त खेती। बिहार में थानों को गिरफ्तारी बढ़ाने का दिया गया टास्क। 50 वर्ष से ऊपर के कर्मियों के कामकाज को लेकर नहीं बनी समीक्षा समिति। बिहार के अधिकतर जिलों में आंधी बारिश की संभावना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देने की कार्रवाई में तेजी लाने के दिए गए निर्देश। नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देने के दिशा में बड़ा निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 6ठे चरण में चयनित सभी 43,000 से अधिक शिक्षकों के इसी तरह से शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र NIC की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले विभिन्न शिक्षक संघों ने सवाल उठाया था कि आखिर इस महंगाई में कब तक बिना वेतन के पढ़ाएंगे शिक्षक। 23 फरवरी से ही इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था, लेकिन वेतन भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इसके बाद ये सख्त निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बिहार में रोजगार मांगने वालों में 73% निरक्षर। जितनी कम डिग्रियां नौकरी पाने में उतनी ही मुश्किल। एक सर्वे के मुताबिक रोजगार मांगने वालों में 73% निरक्षर बिहार के हैं। वहीं पढ़े लिखे लोगों में रोजगार मांगने की दिलचस्पी बहुत कम देखी गई है। आपको बता दें कि 12वीं पास को छोड़ दे तो उच्च शिक्षा हासिल करने वालों में रोजगार मांगने का औसत 10% से भी कम है। NCC पर दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक 30 अप्रैल तक देश भर में 7,31,000 ऐसे लोगों ने रोजगार के लिए निबंधन कराया है जो कभी स्कूल भी नहीं गए। इनमें से 73% यानी 5,37,000 बेरोजगार बिहार के हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण मामले में उतार चढ़ाव जारी। देश के साथ साथ बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में स्थिरता बनी हुई है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डाले तो राज्य में संक्रमण दर बढ़ी है। राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 50 है। वहीं राज्य में महज 92,543 सैंपल की जांच की गई है, जिसके बाद राज्य में 10 नए कोरोना के मामले मिले हैं, जिसमें राजधानी पटना में 6 कोरोना के मामले की पुष्टि हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 2, मुंगेर और भागलपुर में 1-1 कोरोना के मामले की पुष्टि हुई है। वहीं देश भर की बात करें तो आज यानी मंगलवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़े के अनुसार कोरोना के 2124 नए मामले सामने आए हैं। अगले 2 सालों तक 31,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होगी रसायन मुक्त खेती। रसायन मुक्त और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बिहार कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक 31,000 हेक्टेयर क्षेत्र में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति से खेती की जाएगी। इसके लिए जिलावार भौतिक लक्ष्य का निर्धारण कर दिया गया है। यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत इस साल पायलट आधार पर ब्रिकेट मेकिंग मशीन को शामिल किया गया है, जिससे फसल अवशेष प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा है कि राज्य में सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम और भूमि संरक्षण की योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार में थानों को गिरफ्तारी बढ़ाने का दिया गया टास्क। बिहार के DGP SK सिंघल लगातार अपराधियों के साथ साथ पुलिसकर्मियों को रडार पर ले रहे हैं। पुलिसकर्मियों के हर एक मिनट के काम का ब्यौरा लेने के बाद अब SK सिंघल ने अब सभी थानों में यह निर्देश दिया है कि गिरफ्तारी बढ़ाई जाए। दरअसल बिहार के DGP SK सिंघल ने सभी जिलों को गंभीर अपराधों के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जिन थानों में लगातार 2 दिनों तक गिरफ्तारी शून्य रहेगी, उनके थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश सभी जिलों के SP को दिया गया है। ट्रेनों का ठहराव मिलने से पहले आंदोलनकारियों पर पुलिस का शिकंजा। बढ़िया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले लोगों पर अब कार्रवाई की जा रही है। बढ़िया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर आंदोलन के बाद भले ही रेल प्रशासन ने रेलों के रुकने का आश्वासन दिया है, लेकिन ट्रेनों के रुकने के पहले ही आंदोलनकारियों पर पुलिस ने भारी भरकम केस ठोक दिया है। दिल्ली हावड़ा मेन लाइन के पटना मुकामा कियूल रेलखंड पर करीब 33 घंटे रेल परिचालन बाधित रखने के आरोप में पुलिस ने 24 लोगों को नामजद किया, जबकि 1,000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। 50 वर्ष से ऊपर के कर्मियों के कामकाज को लेकर नहीं बनी समीक्षा समिति। राज्य सरकार के अधीन 50 वर्ष से ऊपर के कर्मियों के कामकाज को लेकर समीक्षा समिति अभी भी नहीं बनाई गई है, और अब सामान्य प्रशासन विभाग को समिति के गठन की जानकारी नहीं मिलने के बाद विभाग द्वारा इस संबंध में सभी विभागों के साथ भागलपुर और सारण के कमिश्नर और DM को छोड़कर सभी जिलों को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में जल्द समिति का गठन करते हुए विभाग को इससे अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि नियमानुसार विभाग प्रमंडल और जिला स्तर पर निर्धारित मापदंडों के तहत समिति का गठन करते हुए इसकी सूचना जल्द उपलब्ध कराई जाए। प्लास्टिक बॉटल डाले और फूड एंड ट्रैवल का डिस्काउंट कूपन पाए।
बिहार की राजधानी पटना की सड़कें अब और भी साफ नजर आने वाली है, क्योंकि सड़कों पर अब आपको प्लास्टिक के बॉटल फेंके हुए नहीं दिखाई देंगे। इसके लिए पटना नगर निगम ने विशेष पहल की है। आपको बता दें कि इसके रिसाइकलिंग के लिए शहर में दो जगह मशीन लगाई गई है। मजे और फायदे की बात यह है कि यहां फेंकी हुई प्लास्टिक बॉटल देने पर लोगों को फूड एंड ट्रैवलिंग कूपन और कैशबैक मिलेगा। नगर निगम की तरफ से बोरिंग रोड चौराहा और मौर्या लोक परिसर में रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई गई है। बीते दिन मेयर सीता साहू ने इसका उद्घाटन किया। यहां प्लास्टिक की पानी की बॉटल, बिस्किट के खाली पैकेट की रिसाइकलिंग की जाएगी। नगर निगम और HDFC बैंक एवं CEE के तहत पहली बार ये व्यवस्था की गई है। बिहार के अधिकतर जिलों में आंधी बारिश की संभावना। बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लोग गर्मी और उमस से परेशान थे। इस बीच राजधानी पटना सहित कई जिलों में आधी रात को इस गर्मी से राहत मिली है और बादल गरजे और झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली। फिलहाल पूरे प्रदेश में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा का प्रवाह बना हुआ है। वहीं झारखंड के उत्तरी भाग में एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग मुख्य रूप से आंधी पानी के साथ बिजली चमकने और हल्के से मध्यम स्तर के बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। शिक्षा विभाग ने किताबों के लिए जारी किए 416 करोड़ की राशि। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को किताब के लिए 416 करोड़ की राशि जारी कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू हो चुका है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के 1.34 करोड़ बच्चों के खाते में DBT के जरिए पैसा भेजने के लिए 416 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते तक की यह राशि बच्चों के खाते में पहुंच जाएगी। ये बात और है कि बाजार में अभी सरकारी प्रकाशन की सभी किताबें नहीं मिल रही है। दरअसल नई किताबें अभी छपी नहीं है। बाजार में छिटपुट जो भी किताबें मिल रही हैं वो पिछले साल की बची हुई हैं। दूसरों के नाम से सिम कार्ड इस्तेमाल करने वाले हो जाए सावधान। दूसरों के नाम पर सिम चलाने वाले लोग सावधान हो जाए। अगर कोई इंसान गलत तरीके से दूसरों के नाम से सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा है तो ये खबर खासकर उन्हीं के लिए है। बिहार में पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद राज्य भर में फर्जी सिम धारकों के विरुद्ध 400 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, कैमूर जैसे जिलों में बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई है। इसमें फर्जी सिम लेने वालों के साथ विक्रेता और डीलरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इन मामलों की जांच के लिए अलग से पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। डॉक्टरों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार निंदनीय। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार इकाई ने चिकित्सकों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार की कड़ी निंदा की है। दरअसल IMA बिहार के सचिव डॉक्टर अशोक कुमार ने बीते दिन जारी एक बयान में कहा कि IMA बिहार पक्षपातपूर्ण जल्दबाजी, बिना सोचे समझे कानूनी कार्रवाई और मेडिकल बिरादरी के खिलाफ किए जा रहे मीडिया ट्रायल की निंदा करता है। एक मजबूत चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम के अभाव में ये डॉक्टरों के बीच असुरक्षा की भावना को बढ़ा रही है। साथ ही एक तरफा व्याख्या के आधार पर कानूनी कार्रवाई डॉक्टरों के मानसिक उत्पीड़न के बराबर होती है, जिसका प्रतिकूल सर चिकित्सक रोगी संबंधों पर पड़ता है। आज शाम पटना आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। आखिरकार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राजद सुप्रीमो आज शाम 6 बजे दिल्ली से इंडिगो के सेवा विमान से पटना के लिए रवाना होंगे। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के अंतिम मामले डोरांडा कोषागार में भी जमानत मिलने के बाद पहली बार पटना पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद के साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती के भी पटना आने की सूचना है। लालू प्रसाद यादव फिलहाल अपनी बीमारी का दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हैं। एम्स के डॉक्टरों से पटना आने की इजाजत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव आज शाम पटना पहुंच सकते हैं। जीत के बाद भावुक हुए कप्तान हार्दिक पांड्या। क्वालिफायर 1 में राजस्थान के खिलाफ जीत के बाद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या भावुक हो गए और मिलर को गले लगा लिया। करीब 10 सेकंड तक हार्दिक और मिलर गले लगे रहे, जिसने स्टेडियम में मौजूद सबका दिल जीत दिया। हार्दिक को भावुक देख मिलर भी भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर जीत के बाद का दृश्य खूब वायरल हो रहा है। दरअसल अंतिम ओवर में गुजरात को जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी, तब मिलर ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को लगातार 3 छक्के लगा दिए और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। फैंस को पूरी उम्मीद है कि हार्दिक अपनी कप्तानी में ट्रॉफी पर भी इस बार जरूर कब्जा कर सकते हैं। राजगीर में लगेगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। आने वाले 1 और 2 जून को राजगीर में कांग्रेस ने राज्य स्तरीय चिंतन शिविर लगाने का निर्णय लिया है। हाल ही में कांग्रेस ने सांगठनिक चुनाव और सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए पार्टी ने प्रदेश स्तर से लेकर जिले स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके बाद अब उदयपुर में हुए चिंतन शिविर की मुख्य बातों को प्रदेश स्तर तक पहुंचाने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि आगामी 1 और 2 जून को राजगीर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के 300 नेता शामिल होंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से
ओरिजिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है। उनके नाम है नुनु कुमार, राजेश संथालिया, शंकर मुखिया, सुरेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, परवेज आलम, पंकज कुमार पटेल, मिंटू कुमार, के सिन्हा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके अनुसार गुजरात की टीम इस बार आईपीएल का मुकाबला जीतने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।